हिंदू धर्म का पारंपरिक त्यौहार वटसावित्री पूजा है। यह त्यौहार ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। अनेक क्षेत्रों में इस त्यौहार को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को भी मनाए जाने का प्रचलन है। यह त्यौहार पति की दीर्घायु, संतान एवं परिवार की सुख समृद्धि की मनोकामना के साथ श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। भाव विविधता चैनल में आपका स्वागत है। आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। कोरोना के चलते अनेक क्षेत्रों में वटसावित्री व्रत पूजा को सामूहिक रूप में नहीं किया जा सका, लेकिन हमारा क्षेत्र ग्रीन जोन में आने के कारण हम सब ने मिलकर सामूहिक पूजा की। सभी ने पूर्ण विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुहाग की मंगल कामना की। वट वृक्ष पर श्री ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु और श्री भगवान महादेव का वास माना जाता है। त्रिदेवों का ध्यान और उन्हें नमन कर भक्ति भाव से प्रार्थना की गई कि उनका आशीर्वाद सदैव ही हम सब पर बना रहे। हमें और हमारे परिवार को अपनी छत्र छाया में रखकर प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव ही हम सब पर बनाए रखें। सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा। सभी को आपकी कृपा से सुख संपदा वैभव की प्राप्ति हो। सभी आरोग्य को प्राप्त करें, सबका कल्याण हो। संपूर्ण जगत में हर कहीं दुख, दारिद्र, कलह, कष्ट, रोग, संताप व्याप्त हैं। सुख संपत्ति वैभव से युक्त व्यक्ति भी पूर्ण सुखी नहीं है। किसी न किसी रूप में प्रत्येक व्यक्ति परेशान ही रहता है। इस संसार में ना तो सुख स्थिर है ना ही दुख, ना तो वैभव स्थिर है ना ही दारिद्र। सभी कुछ अस्थिर है। धूप छांव की तरह ही सब चलायमान है। स्थिरता तो केवल प्रभु चरणों में सर्वस्व समर्पण से ही प्राप्त हो सकती है। उस शाश्वत प्रतिमान जिसका नाम ईश्वर है को सब कुछ निछावर कर देने पर ही
स्थिरता को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हे ईश्वर, हम सब पर इतनी कृपा करो कि हमारा आपके श्री चरणों में अनुराग बना रहे। आप ही हमारे रक्षक हो, हम सबकी रक्षा करो। निर्विकार भाव से यदि प्रभु के श्री चरणों में अपने हृदय को समर्पित कर दिया जाए तो प्रभु भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। अदृश्य शक्ति के रूप में उनकी कृपा भक्तजनों तक अवश्य ही पहुंचती है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी माध्यम के द्वारा प्रभु उन सांसारिक प्राणियों के सारे बिगड़े काम बना देते हैं जिनकी उनमें अटूट श्रद्धा होती है, अटूट विश्वास होता है, जिनका मन पूर्णतः निश्चल होता है। ईश्वर तो भाव के भूखे होते हैं, प्रेम भाव से परिपूर्ण समर्पित हृदय से की गई पुकार उन तक अवश्य पहुंचती है और भी भक्तों का कल्याण करने आ पहुंचते हैं। इस वर्ष कोरोना के कारण अधिकांश क्षेत्रों में सामूहिक पूजा हो ही नहीं पाई। अधिकांशतः इस पूजन का विधान घरों पर ही संपन्न किया गया। ग्रीन जोन में अवश्य ही इस पूजा को सामूहिक रूप में संपन्न किया जा सका, किंतु साथ ही मन में कोरोना का वह व्याप्त तो था ही। इस प्रकार रेड जोन और कंटेनमेंट जोन में तो बहने वट सावित्री की पूजा करने बाहर निकल ही नहीं पाई, उनको घर पर रहकर ही वट सावित्री की पूजा करनी पड़ी। कोरोना को हराना है तो नियमों का पालन तो करना आवश्यक है ही। इस वर्ष नहीं, चलिए अगले वर्ष हम सब मिलकर सामूहिक तौर पर वट सावित्री की पूजा अवश्य करेंगे।